तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि आपके आईडी प्रूफ के ऊपर, आपके आधार कार्ड के ऊपर अभी टोटल कितने सिम कार्ड्स एक्टिवेट हैं। और ये आप केवल चेक ही नहीं कर पाओगे गाइस, अगर आपको लिस्ट में कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसको आप नहीं पहचानते हो मगर वो आपके आईडी से रजिस्टर्ड है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो और एक कंप्लेन भी डाल सकते हो, जिससे जिसने भी इस अवैध तरीके से आपके नाम पे सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी दे दिया जाता है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपके कंप्लेन का स्टेटस क्या है और जिसने भी आपके नाम पे अवैध तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया था उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। वैसे तो ये बात आप लोग भी जानते होंगे गाइस कि नियम के हिसाब से अभी किसी एक व्यक्ति को 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने अलाउड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को 9 से ज्यादा सिम कार्ड की जरूरत पड़ती भी होगी। कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 या 3 सिम कार्ड ही रजिस्टर्ड करवाता है अपने नाम से। हम लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं गाइस कि किसी और के नाम पे अवैध तरीके से भी फर्जी सिम कार्ड्स एक्टिवेट कराए जाते थे। तो इसी फ्रॉड को देखते हुए डीओटी ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हो कि आपके आधार कार्ड पे, आपके आईडी पे अभी कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है और अगर उसमें आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाता है जिसको आपने एक्टिवेट नहीं करवाया हो, जिसपे आपको शक हो, आप उस नंबर को वहां से ब्लॉक भी कर सकते हो और उसके ऊपर आप कंप्लेन भी डाल सकते हो गाइस। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको यही कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके आईडी से कोई अवैध तरीके से नंबर इशू करवाया गया है या नहीं और उसके ऊपर आप उसको कैसे ब्लॉक करवाओगे और कैसे कंप्लेन आप करोगे, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ गाइस, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। मैंने इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे भी क्लिक करके डायरेक्ट इसके ऊपर आ सकते हो। वैसे इसका लिंक आप यहां पे देख सकते हो गाइस safecop.digitelecom.gov.in करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जैसे इस पेज के ऊपर आओगे गाइस तो यहां पे आपको क्या करना है कि इस वाले सेक्शन में इंटरव्यू मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कौन सा डालेंगे गाइस, तो जिस भी आईडी का यानी कि जिस भी आधार कार्ड पे लिया गया मोबाइल नंबर आप चेक करना चाहते हो, जैसे कहने का मतलब है कि मेरा आईडी कार्ड है, मैंने अपना सिम कार्ड ले रखा है अपने आईडी के ऊपर और मुझे अपने आईडी से रिलेटेड कितने नंबर चालू हुए वो चेक करना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, ठीक है ना। मतलब कि जो भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो जिस आईडी का यूज करके लिया हुआ रहेगा उस आईडी से और कितने नंबर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर डालोगे। चलिए नंबर डालते हैं यहाँ पे। नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ओटीपी नहीं आता तो आप रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हो। तो वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं गाइस, आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आप ऐसे पेज के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे आपके आईडी से जितने भी रजिस्टर्ड नंबर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे चूज टू सेलेक्ट द नंबर दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपने इशू नहीं करवाया है लेकिन वो आपके आईडी पर रजिस्टर्ड है, या फिर कोई ऐसा नंबर है जो आपने ही इशू करवाया था लेकिन अब आपको उसका जरूरत नहीं है, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसको यहाँ से बंद भी करवा सकते हो। और अगर आपको जो ऐसा सस्पिशियस नंबर मिलता है जिसको आपने नहीं चालू करवाया मगर वो आपके आईडी से रजिस्टर्ड है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हो गाइज। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है जिस आईडी की मदद से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि जो कंप्लेन आपने किया था उससे क्या एक्शन लिया गया है और जिसने भी आपकी आईडी पे अवैध तरीके से अपना सिम कार्ड चालू करवाया था उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे आईडी से कितने नंबर रजिस्टर्ड है। तो मेरे केस में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नंबर रजिस्टर्ड है जिसमें से मैं अभी इस नंबर का यूज नहीं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे जो नंबर आपको दिख रहा है मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये 4 अभी मेरे यूज में है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका कोई नंबर आपको यहाँ पे दिखता है जिसको आप नहीं पहचान रहे हो उसके आगे क्या करना है। तो इसको पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये आपका नंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिस इज नॉट माई नंबर के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन मेरे केस में गाइस ये नंबर मेरा ही है, मैंने ही इसको इशू करवाया था लेकिन अब मुझे ये नंबर चाहिए नहीं, मैंने इसका यूज करना बंद कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं जैसे कि ये नंबर है, अगर ये नंबर आपके यूज में नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी एक्शन आप यहाँ पे लेना चाहते हो उसको चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने एक स्टेटस के लिए ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी और उस आईडी की मदद से आप स्टेटस भी चेक कर पाओगे कि आपके रिपोर्ट का जो स्टेटस है वो भी कहां तक पहुंचा है। तो ये बहुत ही काम की चीज है गाइस, यहां पे अगर आपको लगता है कि आपके आईडी पे एक्स्ट्रा मतलब नंबर्स वगैरह एक्टिवेट करवाए गए हैं जो आपने नहीं करवाए हैं तो आप आराम से यहां पे इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद इसको बंद करवा सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो अगर कोई नंबर आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरीके से गाइस ये वेबसाइट काफी यूजफुल है। वैसे चलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लोगे अगर आपको कुछ करना है तो। मैं यहाँ पे एक और जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पे लिख रहा है करेंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना कंज्यूमर।
लेकिन ये यहाँ पे ऐसा लिख तो रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जब ये वेबसाइट लॉन्च हुआ था तब यहाँ पे जो भी स्टेट्स के नाम मेंशन किए गए हैं उसी जगह के यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहे थे, लेकिन मेरे केस में गाइस मैं अभी बिहार से हूँ और मैंने जो नंबर अभी यहाँ पे किया है चेक वो भी मेरे आईडी पे लिया हुआ है, बिहार का ही नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी इस वेबसाइट पे काम चालू है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डाटा यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, तो आप चाहो तो अपना चेक कर सकते हो। अगर आपका शो कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आने वाले टाइम में ये हर जगह के लिए अवेलेबल होने वाला है और अभी भी यहाँ पे जो भी स्टेट मेंशन नहीं किए गए हैं उनका भी बहुत सारा डाटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो आप चाहो तो अपना चेक कर सकते हो। तो गाइस देखा आपने कि हम लोग कितनी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे आईडी के ऊपर, हमारे आधार कार्ड के ऊपर टोटल कितने सिम कार्ड एक्टिवेट हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आपका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में।